सीधी तस्वीरें मैं आपको कुरुक्षेत्र में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे से दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, ये जो सामने ट्रक दिख रहा है यहीं से किसानों ने जाम कर दिया। ये दिल्ली से कुरुक्षेत्र होते हुए सीधे चंडीगढ़ जाने वाला हाईवे है जो पूरी तरह से किसानों ने ब्लॉक कर दिया है। ये देखिए दूसरी तरफ की सड़क है जो चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाती है, ये सड़क भी पूरी तरह से यहाँ पे जाम है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से हजारों की तादाद में किसान ट्रक और ट्रैक्टर लेकर अब दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर पहुंच चुके हैं। और धीरे धीरे अभी भी अगर मैं दूर से दिखाऊं आपको, ये देखिए तो किसानों का सैलाब नजर आ रहा है रवि। ये सभी लोग अनाज मंडी जो पीपली में है वहां पे इकट्ठा हुए थे सरकार से ये इस मांग को लेकर कि जो सूरजमुखी का जो प्राइस है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस प्राइस पे इसकी खरीदारी हो, जो कि हरियाणा सरकार नहीं कर रही। और इन्हीं मांगों को लेकर, और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से, ये देखिए हाईवे के ठीक बीचों बीच किसान यहाँ बैठ गए हैं। और पूरे हाईवे पर पुलिस और प्रशासन के मौजूदगी जरूर है लेकिन सब हाईवे के नीचे हैं। और ये पूरा हाईवे यानी कुरुक्षेत्र में इस वक्त जाम हो गया। ना इस वक्त गाड़ी चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ आ सकती है, ना अब दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जा सकती है। कुरुक्षेत्र में ये हाईवे पूरी तरह से बंद है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से रोड के जो डिवाइडर है वहाँ पे पूरी सड़क पे अब किसानों का जबरदस्त जमावड़ा। बीच बीच में देखिए कि किसान यहाँ ट्रैक्टर भी घुमा रहे हैं। अब इनका साफ तौर से कहना है कि जो सूरजमुखी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 6400 रुपये प्रति क्विंटल, उस एमएसपी के प्राइस पे हरियाणा सरकार सूरजमुखी की खरीदारी करे, उससे कम किसानों को मंजूर नहीं है। इन्हीं मांगों को लेकर 6 जून को पहले इसी कुरुक्षेत्र के शाहबाद में गुरुनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में ये किसान जो है ये विरोध कर रहे थे, जिसमें कि आप किसानों पे सरकार ने लाठीचार्ज किया था पुलिस ने, और उसके बाद कुछ किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया था। यहीं सड़क के नीचे पीपली अनाज मंडी है, वहाँ पे आज एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। और उस रैली में भी बता दूं रवि कि कुछ स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और किसान नेताओं के बीच बातचीत हुई, और जैसे ही ये बातचीत बेनतीजा रही मंच से ये ऐलान किया गया कि हाईवे जाम करना। और उसके बाद तस्वीरें देखिए कि सैलाब किसानों का उमड़ आया है, पूरी तरह से ट्रैफिक को यहाँ पे रोक दिया गया है। और किसानों का साफ तौर से कहना है कि एक और सरकार इस बात की गारंटी दे कि जो सूरजमुखी का फसल है और उसमें उसका जो एमएसपी है 6400 रुपये प्रति क्विंटल, उसका वो दाम दे। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत जो तमाम किसान नेता 6 जून को शाहबाद में प्रदर्शन के दौरान जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, उन सभी किसान नेताओं को रिहा करे। इन दोनों ही मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे किसान नेता राकेश टिकैत, तमाम नेता यहाँ आए। आप लोगों ने क्यों जाम किया इस हाईवे को? सर जी, हमारे जो किसान यूनियन के प्रधान राष्ट्रीय सरदार गुरनाम सिंह जी चढ़ूनी, जिन्होंने कि 6 जून को ये ऐलान किया था कि हमें एमएसपी सूरजमुखी पर मिलनी चाहिए, पर सरकार ने कहते हुए भी हमें सूरजमुखी पर एमएसपी नहीं दी, जिसकी वजह से हमें रोड पर आना पड़ा। क्या कहेंगे आज मंच से जैसे ही बातचीत बेनतीजा रही, ऐलान किया गया और आप लोग हजारों की तादाद में हाईवे जाम कर दिए? सर हमें इतनी खुशी है कि हमारे जो नेता हैं उन्होंने ये फैसला लिया कि अगर हमारे प्रधान जी को और जो अन्य साथी जेल में पड़े हैं उनको नहीं छोड़ा जाता तो हम उतनी देर तक सड़क से नहीं उठेंगे जितनी देर हमारे प्रधान जी हमारे बीच में नहीं आ जाते। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है, आपको लगता है हजारों की तादाद में गाड़ियाँ गुजरती है, लोगों की मुश्किलों के बारे में भी सोचते हैं कि जो लोग आम लोग फंस गए होंगे जो दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे होंगे या चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे होंगे? सर ऐसे है, हमने ये ऐलान किया हुआ है कि जो भी एम्बुलेंस या जो भी कोई इमरजेंसी में या जो कोई एयरपोर्ट वगैरह जा रहा है जिनकी बहुत ज़रूरत है उनको हम रास्ता दे रहे हैं। मेडिकल को कभी हमने रोका नहीं है, ये हमारी सबसे पहली कि एम्बुलेंस को जाने दिया जाएगा। रही बात लोगों के परेशानी की, तो जिमीदार शेही मिन्हे से खेत में काम कर रहा है और आज अगर सूरजमुखी बेचने के लिए मंडी में पड़ा है तो उनसे ज़्यादा परेशानी इन गाड़ियों वालों की नहीं है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति सर यही है, जो हमारे प्रधान जी अगर हमारे बीच में नहीं आते तो हम यहाँ बैठे रहेंगे जितनी देर ये डिसीजन इन्होंने लिया, जितनी देर ये हमें हमारे जो पदाधिकारी हैं संयुक्त किसान मोर्चा है ये बोलेंगे कि यहाँ बैठना है, उतनी देर हम सड़क पर बैठे रहेंगे। सर देखिए, हालांकि एक बहुत अच्छी बात है कि किसानों ने कहा कि कोई भी जो आपातकालीन वाहन है, कोई व्यक्ति बीमार हो या एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हो, उन सभी गाड़ियों को की आवाजाही पे किसी तरह से रोक नहीं है, उनको रास्ता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जब तक गुरनाम सिंह चढ़ूनी को रिहा नहीं किया जाता और सूरजमुखी को लेकर सरकार फैसला नहीं करती, तब तक ये किसान पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।